अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए फ्राई पैन केक लेके आई हूँ, यानी मैं आपको फ्राई पैन में केक बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट केक फ्राई पैन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 टेबल स्पून यहाँ पे बटर लिया, सॉल्टेड है। इसको फ्राई पैन में आपने मेल्ट कर लेना है। लो फ्लेम पर ये बटर जो है मेल्ट हो जाएगा। अगर आपके पास सॉल्टेड बटर नहीं है तो आप अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बटर अच्छे से मेल्ट हो गया, इससे पैन भी अच्छे से ग्रीस हो जाएगा, हमें एक्स्ट्रा ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मैंने जो बटर मेल्ट किया था एक बड़े बाउल में निकाल लिया। तो आपने इसके अंदर 6 टीस्पून जो है कोको पाउडर डाला है। हमेशा मेजरिंग कप का इस्तेमाल करें जब भी आप बेकिंग करें। तो कोको पाउडर को बीटर से अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है मैंने इसके अंदर 2/3 कप पीसी हुई चीनी डाली है। ये मेजरिंग कप है, आप चीनी को मिक्सी में घर में भी पीस सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। करने के बाद कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब मैंने इसके अंदर 2 अंडे डाले, मीडियम साइज के अंडे जो है रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, ज्यादा ठंडे नहीं होने चाहिए। और इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून चॉकलेट आइसेस डाले। अगर आपके पास नहीं है तो आप वनीला आइसेस भी डाल सकते हैं। तो आपने बीटर से इसे 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मिक्स करना है, किसी भी मशीन की इधर जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडे अच्छे से मिक्स हो जाए, 1/2 कप मैदा डालें, अच्छे तरीके से छान लें, 1/2 कप डालें, ज्यादा ना डालें। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना आपने, और अच्छे से मिक्स कर लें। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, लम्स नहीं होने चाहिए, गुटलियां नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपका जो बैटर है इस तरह से नहीं बन रहा तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल लेना है, वो फिर इस टाइप का हो जाएगा। बैटर देखिए इस तरह से होना चाहिए। अब ये तैयार है। जो स्टार्ट में हमने पैन ग्रीस किया था उसके अंदर सारा बैटर डाल देंगे। याद रहे पैन जो आपने बड़ा लेना, छोटे साइज का नहीं लेना, आपने बड़े साइज का ही पैन लेना क्योंकि राइज होगा। और अब देखिए मैं इस तरह से इसे टैप टैप कर रही हूँ। और इसको जो है आपने फ्लेम इसकी इतनी बिल्कुल लो रखनी है, जैसे दम वाली फ्लेम होती है, आप लोग देख सकते हैं। फ्लेम पे आपने इसे कवर करके यानी ढक्कन देके 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है। और अगर आपका केक तब भी नहीं बने तो 2-3 मिनट और मजीद पका लें तो आपका केक अच्छे तरीके से बेक हो जाएगा। पूरे 20 मिनट में केक बिल्कुल तैयार हो गया था। मैंने इसकी उल्टी साइड जो प्लेट पे रखी है और निकालते वक्त की जो रिकॉर्डिंग है वो डिलीट हो गई। इसी केक बहुत ही सॉफ्ट बना है और इसकी उल्टी साइड ही आपने प्लेट पे रखनी है। अब मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया, ठंडा ले लिया, रूम टेम्परेचर वाला ले लिया। इसके अंदर 2 टीस्पून मैंने चीनी डाली क्योंकि केक में कम है, तो इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। जो सारा केक है ना इसकी मेन चीज ही है, इस पे आपने दूध डालना है और इसी से इसका टेस्ट अच्छा आएगा। बहुत ही अच्छा केक बनता है ये। यहाँ पे आपको फिंगर से चेक करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि अच्छे तरीके से इसमें मैंने सारा दूध डाल दिया। तो आपने गर्म केक पे जो है दूध डाल देना, फिर ज्यादा सही रहेगा। अब मैंने यहाँ पे जो है गनाश बनाने के लिए सॉस पैन लिया, उसके अंदर 1 कप दूध डाला, 2 टीस्पून मैदा डालेंगे, भर के नहीं डालना। 6 टीस्पून इसके अंदर जाएगी चीनी, दानेदार चीनी डाल रही हूँ, आप चाहे तो पिसी हुई भी डाल सकते हैं। और इसको जो है इसलिए डाला क्योंकि केक में चीनी कम है। 2.5 टेबल स्पून कोको पाउडर जाएगा। और अगर आप ये सॉस नहीं बना चाहते तो आप डार्क चॉकलेट में क्रीम डाल के उसकी वो भी गनाश बना के डाल सकते हैं, ये स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है, मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स करेंगे, फ्लेम ऑन नहीं करनी, पहले अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें गुटलियां ना बने। मैंने इसकी फ्लेम ऑन कर दी, फ्लेम लो टू मीडियम है, ज्यादा तेज नहीं रखनी, और साथ साथ इसे मिक्स करते रहना, फिर ये सॉस अच्छे से तैयार होगी। और आप लोग देख सकते हैं इस पे बबल्स बनने लग जाए तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, उसका कलर कितना अच्छा है। मैंने 15 मिनट के लिए इसे रूम टेम्परेचर पर रख दिया था, ये ठंडी हो गई। आपने ज्यादा मैदा नहीं डालना वरना ये बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी। चाहे तो गनाश ना भी बनाए, सिंपल केक पे मिल्क डाल के उसको एंजॉय करें। और अब मैं इसके ऊपर जो है सारी गनाश डाल रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक किया करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। यहाँ पे मैं स्पैचुला से इसे सेट कर रही हूँ, आप चाहे तो चम्मच से भी इसे सेट कर सकते हैं। आपने सारी इसे इवन कर देना है। आप लोग देख सकते हैं कितनी जबरदस्त गनाश रेडी हुई थी। अब इसको जो है 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दे, ठंडा होने के लिए। जितना अच्छा ठंडा होगा उतना ही अच्छी लगेगा। ये पूरे 5 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया और अच्छे से ठंडा भी हो गया। अब इसे हम कट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त केक तैयार हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। केक का टेस्ट इतना जबरदस्त था और इतना जूसी केक था ना कि हर किसी को ही पसंद आएगा। ये थी मेरी आज की आसान सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक किया करें और आगे से आगे अपने दोस्तों में शेयर किया करें। कल नेक्स्ट वीडियो जो है दम बिरयानी की होगी, और मैंने पहले भी आपको एक बिरयानी बनाना सिखाई है, उसका स्क्रीन पे आपको लिंक शो हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।